सो हाँ गाइस, लिविक मैप के अंदर आपने ये ट्री काफ़ी जगह पे देखा होगा और मैं इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिनके हेल्प से आप इजीली हर मैच जीत सकते हो। तो हाँ गाइस, सबसे पहले ट्रिक के लिए आपको आ जाना है कुछ इस जगह पे। आपको इस जगह पे इस टाइप के बहुत सारा मतलब पेड़ दिखे हैं, या फिर आपको लिविक मैप में जहाँ पर भी इस टाइप के पेड़ दिखते हैं आपको उस पर ट्रिक कर सकते हो। सबसे पहले आपको थ्रोवेल्स निकाल के चेक करना है कि आपका पेड़ में कहाँ पर इस तरीके से डॉट बन रहा है। देन गाइस, आपको अपना जो वेब शूटर होता है उसको उसी जगह पे यूज़ करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और जैसे आप इतना क्लोज पहुँचो, आपको ये वाला जो आपको बटन है यानी ग्लाइडर का जो बटन है, आपको उसे ऑन करके इसके ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आप कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाएगा, आप यहाँ से अच्छा खासा एडवांटेज ले सकते हो और किसी भी एनिमी को इजीली किल कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो, मैं बिल्कुल पेड़ के अंदर छुप चुका हूँ और इतना ध्यान कोई भी नहीं देता कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा हो सकता है। तो आप भी यार इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको भी हर मैच जीतना है। तो वैसे मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ट्रिक बताए हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करके ईजिली हर मैच लगभग जीत सकते हो। सो यहाँ पर देख सकते हो सामने एक बंदा आ चुका था, अब इसको बिल्कुल भी भनक भी नहीं था कि मैं इस पेड़ पर हो सकता हूँ, क्योंकि गाइस कोई ध्यान नहीं देता ना कि पेड़ के ऊपर जाके कोई बैठ सकता है। सो ये इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इस तरीके से आप किसी भी एनिमीज को किल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप किसका यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक की। अब सेकंड ट्रिक के अंदर गाइस आपको इस लोकेशन पे आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हो इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको बस 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे देख सकते हो आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देन आपको सबसे पहले वेब शूटर का यूज़ इस जगह पर करना है। देन यहाँ पर आने के बाद आपको गाइस थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करना है इस तरीके से। देन आपको एक और बार ऊपर की तरफ यहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन आप यहाँ पे आ जाओगे। अब ये देखो, अब मैं आपको बताता थर्ड पॉइंट, आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी कर सकते हो, बट उससे पहले आप अगर आपको नीचे नहीं गिरना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक बार यूज़ कर लो। देन आप जहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक बार जंप करने के बाद देन यहाँ पे आ जाओ। अब बस यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको हाइट एडवांटेज तो मिलता ही है, साथ साथ यहाँ पे अगर कोई रिकॉल पे बंदा आता है उसको आप इजीली मार सकते हो। अब वैसे आपको पता है कि BGMI के अंदर जो हाइट एडवांटेज होता है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है, मतलब आप जितना हाइट पर रहोगे उतना गाइस आपके लिए अच्छा होता है, आप किसी भी एनिमी को स्पॉट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा टीममेट नीचे था, बट गाइस मैं यहाँ पे एनिमी को इजीली स्पॉट कर पा रहा था कि कौन सा एनिमी कहाँ से आ रहा है। अब थर्ड ट्रिक के अंदर गाइस बताऊँगा इस टाइप के टावर जो है लिविक मैप में बहुत जगह पे है। अब यहाँ पर जैसे देख लो, इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको 2 स्टेप बस फॉलो करना है। फर्स्ट एंड सेकंड आपको यहाँ पर अपने वेब शूटर का यूज़ करना है, आप इजीली इसके टॉप पे आ जाओगे। सबसे पहले देख लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया, और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना जो टाइमर होता है उसको ख़त्म होने देना है। देन आपको पीछे जंप करना है एक बार, और इस तरीके से पीछे जंप करके आपको एक और बार यहाँ पे यूज़ कर लेना है। देन आप इसके टॉप पे इजीली आ जाओगे, और यहाँ पर आने के बाद ही आप इजीली अच्छे खासे एनिमी को स्पॉट कर सकते हो, और कोई भी एनिमी अगर आपको दिखता है नीचे में उसका भी इजीली मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको चारों तरफ का अच्छा खासा एरिया कवर हो जाता है। मतलब अगर आपके पास एक अच्छा खासा स्कोप है या स्कोप नहीं भी है तो इजीली आप यहां से किसी भी एनिमी को मार सकते हो, क्योंकि लिविक मैप उतना बड़ा नहीं है, सो आप इजीली किसी को स्पॉट करके मार सकते हो। तो गाइस ये ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कौन सा ट्रिक ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो अब चलते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। जो अगला ट्रिक है ना, तो इस टाइप का जो ये आपको टावर दिखता है, लाइट हाउस दिखता है, ये गाइस लिविक मैप में 2-3 जगह पर है, इसके ऊपर भी चढ़ना काफ़ी आसान है। सो यहाँ पर चढ़ने के लिए आप डायरेक्टली ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, आपको सिंपली जिस तरीके से मैं चढ़ रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो, आपको सबसे पहले इस विंडो पे इस तरीके से यूज़ करना है। देन यहाँ पे आप आ जाओगे, देन एक बार पीछे जंप करने के बाद आपको फिर से इसके ऊपर करना है। जैसे देख सकते हो आप, मैं एक बार पीछे जंप किया, देन ऊपर एक और बार यूज़ किया, इसके ऊपर ईजिली आ चुका हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसके ऊपर आ जाओगे, और यहाँ पर आने के बाद आप मतलब जब भी आपका जोन बनता ना इस टावर के आसपास में, हमेशा तो नहीं बनता, अगर जब भी बनता तो आप इस तरीके से ट्रिक का यूज़ करके इस टावर पर जा सकते हो और ईजिली किसी भी एनिमी को स्पॉट करके मार सकते हो। तो ये ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो इसके ऊपर से उतरना भी काफ़ी इजी है, इस तरीके से देख सकते हो, अगर नीचे उतरते हो तो आपको इस तरीके से वेब शूटर का यूज़ करना है, आपका बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। अब ये जो पांचवा ट्रिक है ना, ये पांचवा ट्रिक मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब इस ट्रिक में ये बता रहा हूँ कि गाइस लिविक मैप के अंदर आपने देखा होगा कि ट्री काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इन ट्री का इस्तेमाल करके इजीली किसी भी एनिमी को फ्लैंक कर सकते हो या फिर कवर में जा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो आप, मेरे को मतलब किसी एनिमी के ऊपर पुश करना है तो मेरे को ऐसे ओपन से नहीं जाना है, आप भी ओपन समझ जाया करो। अगर आपके पास वेब शूटर है तो आप इसका बिल्कुल इस्तेमाल करो, मतलब जितनी भी आपको ट्री दिखते हैं ना इस तरीके से आप ट्री के ऊपर, बस आपको ट्री पे जाना है, देन आप बिल्कुल कवर में भी रहोगे और एनिमी भी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा। सो गाइस यही थे आज की वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर बने हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो देखते रहेंगी।